Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another episode of hashtag quirky vlogs. मुझे लग रहा है आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा vlogs enjoy कर रहे हो, so मैंने भी प्रण लिया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा vlog करने की कोशिश करूँगी. अब जबकि हम ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं and we are trying to quarantine at home, so that is Mr. Simba. Simba, good morning. I freshened up just now and सुबह का मेरा program चालू हो गया. I'm having soaked dry fruits, अखरोट, बादाम. इट फेल, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड सिम्बा को भी बादाम बहुत पसंद है, सो हमेशा जब मैं खा रही होती हूँ एक मैं उसको जरूर देती हूँ. बादाम खाओगे? सो आज का दिन ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल प्लस हेक्टिक होने वाला है. आई थॉट जिस दिन मैं कुछ ना कुछ कर रही होंगी उस दिन मैं व्लॉग ज़रूर करूँगी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कैसी चल रही है लाइफ. सो द प्लान इज़ के आई हैव टू गेट रेडी फर्स्ट, क्योंकि मुझे फिल्म करना है अ कोलैब विद समवन. आप लोग मेरे से बहुत बोलते हो कि मैं यूट्यूबर्स और लोगों के साथ कोलैब क्यों नहीं करती हूँ एंड आई शुड डू इट. सो आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड दिस पर्सन दैट आई एम कोलैबोरेटिंग विद आई एम अ ह्यूज फैन, लाइक आई लव देयर वर्क. सो दैट इज़ वाई मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं कोलैब उन लोगों के साथ नहीं करती जिनके साथ मेरी वाइब मैच नहीं करती एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसके साथ मुझे लगा या आई रिस्पेक्ट देयर हसल. यू गाइज कैन ऑब्वियसली सी माई बिहाइंड द सीन्स ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इनसाइट मिल जाए. नीचे गेस करके बताओ कौन है वो स्पेशल समवन. आई थिंक इस वीडियो के बाद वही वीडियो आने वाली है, सो दैट्स गोना बी रियली एक्साइटिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा पीआर आया हुआ है यार, तो मैं सोच रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखा दूँ, कोई कोई चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड. एंड मैं अपने ब्लॉग्स में ना एक नया सेगमेंट शुरू करने वाली हूँ जिसमें वी कैन जस्ट कनेक्ट एंड टॉक टू ईच अदर. सो टुडे आई एम गोना बी टेकिंग 5 अजम्पशंस एंड मैं बताऊंगी कि क्या वो ट्रू है क्या नहीं है. एंड वो अजम्पशंस यूट्यूब ऑडियंस में से होगी. मैं ज़्यादातर जो भी वीडियोज़ करती हूँ वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोल डाल के करती हूँ, बट आई एम रियली एक्साइटेड कि आज वो अजम्पशंस होने वाली है एंड आई एम गोना टेल यू गाइज कि आप लोग मेरे बारे में जो सोचते हो वो सही है नहीं है. सो या आई एम रियली स्लीपी राइट नाउ, आई एम रियली सॉरी मैंने ब्लॉग एकदम से ऐसे स्टार्ट कर दिया, बट आई एम गोना फिनिश माय ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद आई एम गोना टेक अ बाथ एंड आई विल सी यू गाइस देन. मैंने ना अपनी स्टोरी पे दिखाया था बट आई थॉट यूट्यूब पे भी एक बार दिखा दूँ. दिस इज़ व्हाट आई हैव डन विद माय वैनिटी. बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, सो मैंने सब कुछ दोबारा से सॉर्ट किया है. सो यहाँ मेरी फाउंडेशन हैं, पीछे मेकअप रिमूवर और बालों की चीज़ें हैं, लिपस्टिक्स काफ़ी हैं, मेकअप फिक्सिंग स्प्रेज हैं, दीज आर माय कार कीज एंड दिस इज माय परफ्यूम स्टेशन. मेरे पास और भी परफ्यूम है जो इतने सुंदर नहीं है तो मैंने उसे ट्रे पे नहीं सजाया हुआ है, बट लेट मी नो अगर आप लोगों को एक परफ्यूम वीडियो देखनी है तो आई वुड लव टू डू दैट. एंड दिस इज व्हाट अनदर पार्ट ऑफ माय मेकअप स्टेशन लुक्स लाइक. काफ़ी ज़्यादा मैंने अच्छे से सॉर्ट कर लिया हर चीज़ एंड अब मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ है. सो या दैट इज़ हाउ आई एम मैनेजिंग लाइफ राइट नाउ. ऑल्सो आई डोंट नो इफ यू गाइज आर अवेयर, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं 2 दिन पहले फिल्म कर रही थी और वहाँ पे छिपकली आ गई थी. सो मैंने अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया अपने ड्रॉइंग रूम में और वहाँ पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की. मैं एक एथनिक हॉल रिकॉर्ड कर रही थी जो कि सून आप मेरे चैनल पे देख लोगे एंड इट्स गोना बी अमेजिंग. बट या बहुत ज़्यादा घर में हड़कंप मच गया था एंड उस छिपकली को भगाने के चक्कर में मुझे अपने स्टूडियो की सारी मैट्स वगैरह रग सब कुछ निकालना पड़ा बिकॉज वो ज़मीन पर घूम रही थी. शी इज़ फाइनली आउट ऑफ माई लाइफ बट दिस इज़ हाउ द स्टूडियो लुक्स लाइक राइट नाउ. अभी मैंने थोड़ा सा इसको समेटा है बट इट्स स्टिल अ मेस, लाइक लुक एट दिस. सो ये चिप फ्लोरिंग फिर से आ गई है इन इट्स फुल ग्लोरी. मैं सोच रही हूँ कि मैंने रग्स निकाल लिए तो उसको अब ड्राई क्लीनिंग के लिए भी भेज ही दूँ, क्योंकि काफ़ी जब से आई थिंक 2 साल हो गए जब से मैंने स्टूडियो बनाया था एंड तब से वो रग्स यू नो साफ नहीं हुए थे एंड आई एम श्योर इट हैज़ अ लॉट ऑफ मिट्टी एंड गम. यू गाइस कैन यू सी इट्स 10:40 राइट नाउ एंड मिस्टर रवि इज स्टिल काइंड ऑफ लाइक स्लीपिंग. अभी इसने 2 मिनट के लिए आँख खोली थी बट ये पूरे अभी नशे में ही है नींद के. सो ही इज स्लीपिंग अलोन राइट हियर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या बना रहे हो आज? मैं ओट्स चीला बना रही हूँ. ओट्स चीला की रेसिपी तो आप लोगों ने देखी होगी पिछले साल क्वारंटाइन ब्लॉग्स में, मेरे जो लॉकडाउन ब्लॉग थे, बट आई रियली लव ओट्स चीला, काफ़ी हेल्दी होता है. Not fake out.
ओके सो मैंने अपने वॉशरूम में पानी भरने को रख दिया. रियली वॉन्ट अ हॉट रिलैक्सिंग बाथ बट इन बिटवीन दैट आई वॉन्टेड टू शो यू गाइस सम पी आर दैट आई रिसेंटली रिसीव्ड. काफी सारा इकट्ठा हो गया था सो सोचा कि हाफ हाफ करके आपको हर एक ब्लॉग में दिखा दूंगी. द फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड क्रेयॉन अंडरस्कोर क्लॉजेट. उन्होंने मुझे बहुत सारी क्यूट क्यूट चीजें भेजी है. ओ माई गॉड ओके इसके अंदर ऐसे फ्लूफी चीजें भी थी जो कि मेरे अब फ्लोर पे छा गई है. तो सबसे पहले दे सेंट मी दीज पेस्टल कलर्ड स्क्रंचीज. ऑल्सो सेंट मी मास्क एंड ये भी काफी अच्छे हैं लाइक एनिमल प्रिंट वाला मास्क विच लुक्स क्वाइट गुड. एंड इसके ये जो पीछे के ये ईयर वाले हैं ना ये काफी ज्यादा यू नो गिविंग है लाइक इससे आपके कान से मुड़ नहीं जाते हैं सो इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. एंड देन शी ऑल्सो सेंट मी दिस सैटन काइंड ऑफ मास्क. दिस इज रियली गुड. आई हैव सीन सो मेनी यूट्यूबर्स वेयर इट ऐसे करके ना चेन वाले मास्क जो वो ऐसे पता नहीं कैसे थोड़ा करके कुछ पहनते तो आई रियली डोंट नो हाउ टू वेयर इट लाइक दिस. हाँ ताकि जब आपको मास्क उतारना हो तो ये आपके गले में टंगा रहे. सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज फॉर अ मिनट देयर. एंड ये समर ऑफ 69 नेक पीस है उनके फॉर यू एंड योर BFF क्वाक्रोस. सो एक उसने मेरे लिए भेजा है एक अनिंदिता के लिए भेजा है. वन इज इन दिस ब्लू समरी वाइब जिसपे ऐसे डेजीज बनी हुई है एक थोड़ा पिंक में है. लैक्मे हैज ऑल्सो सेंट मी दिस पाउच जिसके अंदर उनके न्यू ब्राउ प्रोडक्ट्स हैं. आई हैवंट यूज दीज बट मुझे उनके लिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालना है सो आई विल बी यूजिंग दिस एंड ट्राइंग ऑल ऑफ दीज आउट. दिस इंस्टाग्राम स्टोर ब्लिंग्स एंड कलर्स 99. उन्होंने मुझे मेरे न्यू आईफोन के लिए कवर्स भेजे हैं. आई रियली लाइक दिस वन. इतना सुंदर ये ऐसे ऑरोरा इफेक्ट दे रहा है एंड इट्स लाइक सिलिकॉन बट यू नो ये थोड़ी एजी वाइब देता है. एंड दे ऑल्सो सेंट मी दिस जिसमें भी थोड़ी रिफ्लेक्टिव लाइट्स है विद अ पॉप सॉकेट. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये थोड़ा सा अलग डिजाइन में है. वन ऑफ द ज्वेलरी इंस्टाग्राम स्टोर्स जिन्होंने मेरे को हमेशा हर सीजन में अपनी नई कलेक्शन भेजी है इज स्वैग सतरंगी. एंड उन्होंने मुझे अपने न्यू इयररिंग्स भेजे हैं. दिस इज व्हाट दिस लुक्स लाइक. मेरे फेवरेट ये वाले हैं. आई रियली लव दिस वाइब. ये एथनिक सीजन में बहुत अच्छे लगेंगे. आई ऑल्सो लव दिस. मुझे झुमके आप लोगों को पता ही है बहुत ज्यादा पसंद है. लास्ट थिंग दैट वॉज अ टोटल सरप्राइज लाइक आई डू नॉट नो ये मुझे किसने भेजा है. एंड कोई कार्ड इसके साथ नहीं आया था कोई लेटर नहीं आया था बट इसमें लिखा हुआ है artgalore.in. नाउ आई रियली डिडंट नो कि ये क्या चीज है जब तक मैंने इसको अटैच नहीं किया. बट दिस इज अ जीकुक ब्लैक स्वान परफॉर्मेंस मोमेंट जब जंगकुक ने जिमिन को गोदी में उठाया था. एंड That actually is my WhatsApp wallpaper. रुको मैं दिखाती हूँ. This is my WhatsApp wallpaper, you guys, जिसमें जंगकुक ने जिमिन को उठाया हुआ है परफॉर्मेंस के दौरान. सो इसको मैंने यहाँ पावर से कनेक्ट कर दिया है एंड आई एम स्विचिंग इट ऑन लाइक दिस. एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है ताकि आप अच्छे से देख सको. इट्स अ ग्लो इन द डार्क सॉर्ट ऑफ थिंग. एंड आई थिंक ये मेरे यूट्यूब बैकग्राउंड पे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. और अब मेरा पानी भर गया है सो आई एम गोना टेक अ बाथ एंड आई विल सी यू गाइस देन. Okay guys, so I am back and I took a very long overdue bath. I love 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 after I take a bath and wo body wash ki jo khushbu aati hai and then I apply my new perfumes. It is amazing. I have to tell you guys perfume of the day. This is one new thing that I'm starting in my vlogs. So aaj maine ye wala lagaya. This is from Zara. It's their water lily tea dress. Ye emotions collection hai Zara ki. जस्ट लाइक वर्जन मोहितो मिक्स विद अ लिटिल बिट ऑफ जैस्मिन. एंड मुझे जैस्मिन की खुशबू बहुत पसंद है. इट्स सो फ्रेश. इट्स अ टी शर्ट फ्रॉम लिवाइज. आप लोगों को पता है मुझे टेक्सटाइल्स कितनी ज़्यादा पसंद है. एंड दिस इज हेलो सनशाइन. मुझे येलो कलर में फिर से इंटरेस्ट आने लगा है. लास्ट ईयर माई फेवरेट कलर वॉज येलो. सो टाइम फॉर सम स्किन केयर. आज मैं अपने सीरम के लिए यूज करने वाली हूँ दिस 2% अल्फा आर्बिटिन फेस सीरम फ्रॉम द डर्माको. इट इज सपोज टू रिड्यूस एंड फेड अवे पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स ब्लेमिशेज जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अनहेल्दी लाइफ स्टाइल यूवी रेज या फिर जो ब्लू लाइट आती है हमारी स्क्रीन से उसकी वजह से हमारी स्किन जो डैमेज होती है वो ये ठीक करता है. नाउ वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स इज आर्बिटिन व्हिच इज अ नेचुरली अकरिंग डेरिवेटिव प्रूवन टू फेड अवे पिगमेंटेशन एंड इवन आउट योर स्किन टोन. इट ऑल्सो हैज हाइलुरोनिक एसिड व्हिच हेल्प्स हाइड्रेटिंग द स्किन. आपका मॉइस्चर वो रिटेन करके रखता है. एंड टार्टारिक एसिड व्हिच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ AHA जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स पे वर्क करता है एंड ओवर टाइम इसको लाइटन करता है. आई हैव लिटरली यूज्ड दिस अप. कैन यू गाइस हियर? इसमें बहुत ज्यादा कम बचा है एंड आई हैव टू ऑर्डर one more. Just take 2-3 drops and just rub it over your skin, massage gently. And isko aap day time pe bhi use kar sakte ho, night time pe bhi use kar sakte ho. So that is one more thing I like, the same serum for day and night skincare routine. But agar aap day time pe use karte ho, please follow up with the sunscreen. Now Dermaco products are designed by dermatologists using scientific ingredients which are very safe and effective to use. In fact is serum ki sabse badi speciality ye hai ki iska key ingredient arbutin bilkul aapki skin ko dry nahi karta hai. Arbutin is very gentle on the skin, hence ye sari skin types pe suit karega.
जाएगा. द ब्रांड इज वेरी ऑनेस्ट, दे डिस्क्लोज परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑन द पैकेज इटसेल्फ. आई एम गोना फॉलो अप विद द सनस्क्रीन. व्हेन यू यूज दीज प्रोडक्ट्स स्पेशली द सीरम रेगुलरली, यू विल फील लाइक आपकी स्किन पहले से ज्यादा बेटर हो रही है. इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड ग्लो. एंड मैं अपने चैनल पे हमेशा बिना मेकअप के आती रही हूँ, चाहे मुझे स्कार्स हो या ना हो. एंड दैट इज व्हाट द ब्रांड डर्माको बिलीव्स इन, लिविंग विदाउट फिल्टर्स एंड लविंग द स्किन यू आर बॉर्न विद. इट इज सो लिबरेटिंग. इफ यू वांट टू ट्राई दीज प्रोडक्ट्स, आप मेरा कोड Aditi20 यूज कर सकते हो फॉर 20% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट कॉल्ड द dermaco.com. दिस इज नॉट एन एफिलिएट लिंक, दिस इज जस्ट फॉर माई क्वर्की स्क्वाड मेंबर्स. एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, Nykaa. एंड नाउ दैट आई हैव डन माई सुबह का बेसिक स्किन केयर, आई एम जस्ट गोना अप्लाई अ लिप बाम, डू अ लिटिल बिट ऑफ द मेकअप. आई डोंट थिंक मैं ज्यादा करने वाली हूँ बिकॉज आई ऑल्सो लव द स्किन आई एम बॉर्न विद. ओके गाइस, सो आई जस्ट गॉट रेडी एंड आज है मम्मी का वैक्सीनेशन डे. सो आर यू स्केयर्ड और आर यू एक्साइटेड? स्केयर्ड तो बिल्कुल नहीं, एक्साइटेड फील कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी लगे, अब लेट हो गया. आई फील है कोविड के चक्कर में पिछले साल हम लिटरली यही प्रे कर रहे थे कि वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए. सो अब जब आ गई है तो सबको लगवा लेनी चाहिए. मेरे पापा हॉस्पिटल स्टाफ है तो उनको उसी टाइम लग गई थी जब पहला फेज चल रहा था. एंड नाउ शी कैन ऑल्सो गेट वैक्सीनेटेड. इसके पापा को तो सिम्टम्स में बुखार आ गया था और काफी बाजू में दर्द था ना, पर मेरी फ्रेंड्स वगैरह से मैंने बात किया, उनको तो बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा पेन हुआ, अदरवाइज कोई सिम्टम्स. आई एम होपिंग मम्मी को भी कमी हो, कहीं वो बुखार में पड़ जाए. आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. बट या वी आर रेडी फॉर वैक्सीनेशन डे. एंड फर्स्ट मे के बाद तो फिर मैं भी लगवाने चली जाऊंगी. ऑल्सो गाइस, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आई एम बैक टू माई N95 मास्क. अगर इतना ज्यादा स्पीड से वो होना तो आपको यही वाले मास्क लगाने चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी अदर मास्क. आई डू डबल मास्किंग, सो ये थोड़े अनोइंग होते हैं आई नो. एंड इसके ऊपर मैं ये भी पहनने वाली हूँ. ओके लेट्स गो. लगा अभी हम वेटिंग एरिया में हैं. मम्मी वैक्सीन लगवा के आ गई है एंड ऑब्जर्वेशन में 30 मिनट रखा जाता है कि कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो. सो वी आर वेटिंग हेयर फॉर 30 मिनट. फर्स्ट डोज आज एंड सेकेंड डोज कब लगना? 45 डेज. ओके सो अब 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड हम घर वापस जा रहे हैं. मम्मी आपको कुछ फील हो रहा है? नहीं नहीं कुछ भी फील नहीं हो रहा, हल्का सा तो टिंगलिंग इफेक्ट हो रहा है जहाँ जहाँ पे लगी है. अदरवाइज तो बाजू अभी भारी वगैरह कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. सो मेरे पापा के उस टाइम जब लगी थी तो बहुत ज़्यादा फर्स्ट डोज में ना आर्म ऐसे हैवी हो गई थी एंड उनको 2-3 दिन तक बुखार रहा था. नहीं सो हम काफ़ी डर गए थे उस टाइम बिकॉज इट वॉज न्यू. एंड आज मम्मी को रेस्ट देंगे, रात का स्नैक मैं बनाऊंगी एंड देन जब पापा आएंगे तो मिलके डिनर प्रिपेयर करेंगे. ऑलराइट, सो आई एम बैक होम एंड आई एम सो सुपर रिलीव दैट माय मॉम्स वैक्सीनेशन इज डन. अब 45 दिन बाद कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लगेगी एंड उस बीच आई थिंक फर्स्ट में भी आ जाएगा जब मैं जाऊंगी. लेट मी नो इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू व्लॉग माई कोविशील्ड या फिर कोविड वैक्सीन एक्सपीरियंस. बट अभी है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज आई हैव टू गेट रेडी टू कोलैब विद समवन स्पेशल. मी टू. योर फेवरेट्स वीडियोज, जो भी मंथली फेवरेट्स होती है वो तो मैं रिलीजियसली आई वॉच इट बिकॉज उसमें से मुझे बहुत रिकमेंडेशन मिलती है. दिस वॉज अ लॉन्ग ओवर ड्यू कोलैब. या नहीं, नेक्स्ट टाइम यू कम टू दिल्ली यू हैव टू हिट मी अप एंड इफ यू वांट टू स्टे हियर मेरे साथ एंड विल चिल एंड सारी मार्केट घूमेंगे. सब ये सब देख के आई है वीडियो. ओके आई विल कट इट. ऑलराइट, सो
अभी है थोड़ा शाम का टाइम, मैं अपने रूम में बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी जो अभी आप देख रहे हो वही वाली। सो मैं सोच रही हूँ मम्मी के लिए, अभी पापा भी आने वाले हैं बस ऑफिस से, तो उनके लिए थोड़ा सा स्नैक बना दिया जाए, बिकॉज जैसे ही पापा आते हैं वो भी थोड़े भूखे होते हैं। एंड मम्मी को ना अब थोड़ा सा दर्द होने लगा था और थोड़ी हरारत सी होने लगी थी, आई थिंक थोड़ा बाजू में दर्द और थोड़ा डिजी फील होने लगा था, तो वो सो रही हैं। सो आई एम थिंकिंग कि जब तक वो उठे मैं थोड़ा सा स्नैक बनाऊँ और वो स्नैक खाते खाते मैं आप लोगों के साथ मुकबंग भी कर लूँगी। आई मीन जो मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं अजम्पशंस आप लोगों की 5 आंसर करने वाली हूँ। सो आई एम गोना पुट अप अ पोस्ट ऑन माई यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, एंड साथ में आई एम गोना बी मेकिंग दिस स्मॉल स्नैक जो मैं घर पर बनाती हूँ। लाइक इट डजेंट इन्वॉल्व कुकिंग एट ऑल, सो अगर आपको कुकिंग नहीं आती डोंट वरी, यू जस्ट नीड अ फ्यू इंग्रीडियंट्स बाहर से एंड उनको मिक्स करके यू कैन मेक इट, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्नैक्स आफ्टर भेलपुरी। ऑलराइट, आई एम इन माई ड्रॉइंग रूम, एंड सबसे पहले तो यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट डाल देना चाहिए ताकि आप लोग ठीक से पूछ पाओ, कहीं मैं सब कुछ बना लूँ और बाद में मुझे याद है अरे पोस्ट तो डाला ही नहीं, अब क्या आंसर करेंगे। आई फील लाइक कम्युनिटी पोस्ट पे इतना ज़्यादा लोग इसलिए भी नहीं लिखते हैं क्योंकि आप अपना नाम नहीं छुपा सकते ना वहाँ पे। अगर मैं इंस्टाग्राम डालूँ तो आपका नाम अनोनिमस रहता है। सो आई एम गोना ट्राई डूइंग दिस, अगर मुझे नहीं आया अगले 10 मिनट में तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी। तब तक हम शुरू करते हैं अपना बनाना। सो आज हम बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरी मम्मी अवेलेबल नहीं है, मोनाको चाट। सो इसको आप बहुत ज़्यादा वेज में बना सकते हो, लाइक बहुत अलग अलग रेसिपीज़ हैं, बट मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बनाती हूँ जिसमें मुझे कुछ भी ना करना पड़े। सो आइडियली व्हाट यू डू इज़ आप मोनाको के ऊपर ना चटनीज डालते हो, अगर आप प्याज के रिंग्स काट के डाल सकते हो, धनिया ये वो चीज़ के साथ, आलू भुजिया के साथ मिक्स करके आप चाट बना सकते हो, दही भी डाल सकते हो, तो बहुत सुंदर एक बिस्किट सैंडविच टाइप का या चाट बनता है। बट मैं जो चीज़ कुक ना करनी पड़े, कभी सब्जी ना काटनी पड़े, वैसे टाइप की चीज़ करती हूँ। सो आई एम जस्ट गोना डू इट विद मोनाको चीज एंड अ फ्यू सॉसेस। ओके, सो मैं अभी अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जब पापा आएंगे तो मैं फ्रेशली उनके लिए प्रिपेयर करूंगी, बट मैंने अपनी मोनाको यहाँ पे निकाल के रख ली है। और बेस के लिए मैं ले रही हूँ हरी चटनी। अगर आपको हरी चटनी नहीं लेनी है, घर पे नहीं अवेलेबल है, तो आप टमेटो सॉस वगैरह भी ले सकते हो, मैं दोनों डालती हूँ। सो अभी मेरे घर में अवेलेबल है तो मैं बहुत कम इतनी क्वांटिटी में लूंगी। सो दिस इज माई मोनाको, एंड इसके ऊपर मैं हरी चटनी थोड़ी सी लगाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा लगा दी है मैंने, हल्की सी स्प्रेड करनी होती है नहीं तो बहुत मिर्ची वाला बन जाता है। उसके बाद यू हैव टू टेक दीज चीज़ स्लाइसेस, मैं अमूल के स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ, एंड बहुत ही कम टुकड़ा डालना होता है, तो डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा फैटी बनेगा, बिकॉज हम बहुत पतला छोटू टुकड़ा डाल रहे हैं, पूरी स्लाइस नहीं खा रहे हैं। तो आपको ये छुटकू सी चीज़ स्लाइस लेनी है, एंड वॉट यू हैव टू डू इज़ आपको इसके ऊपर इसको ऐसे फोल्ड करके लगाना है ताकि ये थोड़ा सा ऐसे 3D उठा हुआ इफेक्ट आए। तो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक सो फार। नाउ एट दिस स्टेज आप इसके ऊपर एक और मोनाको डाल के ऊपर अपने प्याज और जो भी सब्जियाँ डाल सकते हो, बट मैं वो नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही लेम चाट बना रही हूँ, लाइक इट्स नॉट इवन अ रेसिपी, इट्स जस्ट समथिंग दैट आई एम डूइंग एट होम। सो अब आपको थोड़ी सी सॉस लेनी है जो आप इसके ऊपर ऐसे पोर करोगे जस्ट लाइक दिस। नाउ दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स आलू भुजिया, एंड हल्दीराम की आलू भुजिया इज़ माई फेवरेट थिंग ऑन अर्थ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज थोड़ा सा अपने चुटकी भर आलू भुजिया लो, और ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है, क्योंकि ये सॉस है तो ये आलू भुजिया इसके ऊपर ऐसे स्टिक हो जाएगी, थोड़ी बहुत गिर भी जाएगी बट डजंट मैटर। सो दिस इज वॉट आर ब्यूटी लुक्स लाइक, एंड आई लव इट सो सो मच, आई एम गोना ईट इट राइट नाउ। आई फील लाइक मैं 2008 के बाद आज ये खा रही हूँ। डिलिशियस, इफ यू क्रेविंग समथिंग बाहर का एंड यू नॉट एबल टू हैव इट, जस्ट बिग बास्केट से सारी चीज़ें मंगा लो, सैनिटाइज करके रख लो, जब कुछ चटपटा टेस्टी खाने का मन करे मेक इट, बच्चे भी बना सकते हैं, बिकॉज 2008 में मैं 8th क्लास में थी लिटरली, एंड मैं पूरे घर के लिए यही बनाती थी, एंड आज भी कुछ नहीं बदला है। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट माय मोनाको चाट लुक्स लाइक। आई फील लाइक आई डिड अ वेरी मास्टर शेफ जॉब के ऊपर से ऐसे डाल के एंड गार्निश कर दिया मैंने सेम ग्रीन चटनी से जो बेस में लगाई है, एंड इट्स जस्ट मेड विद दीज सिंपल इंग्रेडिएंट्स, बट इट
टेस्ट डिवाइन. इट लोकी रिमाइंड्स मी ऑफ आगरा में जब मैंने वो बकेट चाट खाया था ना, इट वॉज सो यमी. एंड वैसा ही फ्लेवर इसको भी खा के मुंह में आता है. अगर आपको चीज अवॉइड करना है, दही डाल लेना. आई एम मेकिंग दिस विद वट एवर इज अवेलेबल एट होम इजिली, 5 मिनट में बनने का. सो आई एम गोना चेक माय कम्युनिटी पोस्ट नाउ, डू दिस मुकबंग, एंड उसके बाद जब पापा आएंगे तो मैं पूरे परिवार को भी ये खिला दूंगी. एंड मैं बिल्कुल इसमें पिक नहीं करी, जो मुझे ऊपर से नीचे तक आ रही है मैं वही आंसर कर रही हूँ. द फर्स्ट अजम्पशन इज दैट यू लव ईशान बट डोंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप. That is in fact not true. If I love someone, I would love to be in a relationship. मेरा वो apprehensive nature अब चला गया है काफी time से, because I just feel like if you want to spend time with someone, why not be in a relationship and why not make it public? If we are in a relationship, I will let you guys know the day we get into a relationship. So mukbang का concept ही होता है खाते खाते बात करनी है. I'm really sorry if this triggers you. Let me know. मैं आगे से खा के बाद में बात करूंगी. ये वाली assumption by the way शिप्रा की थी. अब next assumption कुकी की है. कुकी ने बोला है, I'm your new subscriber. Welcome to the channel. And my assumption is that you have never watched porn. Please take this one. Lots of love. That is not true. I think मैं बहुत छोटी थी जब मैंने porn देख ली थी. It's not like मैंने खुद से सर्च करके देखी थी. I had no idea. I was in my relative's house and me and my cousin were playing. And उस time पे हम मेरे relative अंकल के कंप्यूटर रूम में थे जहाँ वो काम करते थे. एंड वी वर सर्चिंग सम सीडी, हम कुछ गेम खेलने की सीडी जो पीसी पे लगा के उस टाइम खेलते थे ना, वो सर्च कर रहे थे. एंड हमारे हाथ में सामने लेस्बियन पॉर्न आ गई. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस. एंड मी एंड माय कजिन वर स्टेयरिंग एट ईच अदर. हम ऐसे खी करके लगाई देखी. एंड वी वर अ लिटिल डिस्गस्टेड. सो हमें लगा कि पीछे से कोई वॉक इन ना कर जाए और रिलेटिव या मेरी मम्मी. फटाफट बंद करके रख दी. ओके, नेक्स्ट अजम्पशन पांशी का है, फिर से ईशान के बारे में. Assumption is you always knew one day you will date Ishan but you refrained accepting it. That is in fact true. जब से मैंने YouTube पे उसको लाना शुरू किया और आप लोगों ने वो कमेंट करना शुरू किया ना, बैक ऑफ द माइंड में वो थॉट आ जाता है यार. आई एम डेड श्योर उसके माइंड में भी आया होगा. एंड मैं तो जब पहली बार ईशान से मिली थी, ही वॉज रियली इंटरेस्टेड इन मी. एंड उसने मुझे बताया था कि ही थॉट इट वॉज अ डेट. इन माई हेड आई थॉट मैं बस ऐसे मिल रही हूँ एक लड़के से. आई मीन ऐसी कुछ रातें होती थी जब मैं एकदम से उठ के अपनी मम्मी से बात करती थी कि मम्मी डू यू थिंक कि कुछ हो सकता है मेरे और ईशान के बीच में एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैंने सबसे लिटरली डिस्कस किया हुआ है. सो या एट द बैक ऑफ माई माइंड आई न्यू दैट दिस इज अ पॉसिबिलिटी एंड योर अजम्पशन इज स्पॉट ऑन पांशी. द नेक्स्ट अजम्पशन इज फ्रॉम रिया. And she says that you are not gonna get married. That is true. I don't think I'll be getting married. I can be in a relationship. I can be in a live-in relationship. But I don't think I will get married. I don't know. It's a thing with me. Next assumption is that you get lots of hate comments but you delete them and keep a check on your profile. So yeah, that is actually true. I do get a lot of, I won't say I get the most amount of hate in the world. I'm not the most hated one there, but I do get a good amount of hate on my channel, if I can say so myself. Now jaise hi Delhi mein aur Maharashtra mein curfews and lockdowns lage hain, I can see a huge inflow of hate my way. And bahut sare aur creators friends bhi jinse main baat kar rahi hu. And not even one, a lot of them. And I guess I can understand where they're coming from because they're also at home. They're frustrated. They're irritated by what's happening in the world. मेरी नानी हमेशा बोलती थी, मेरी मम्मी भी बोलती है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. So this is like the first space जो मैं खोल रही हूँ अपनी वीडियो का. And जो मेरी last video थी आनंदिता के साथ, उसमें आए हैं. And then she says she's facing financial crisis. Come on, stop fooling people. So किसी ने मेरी financial crisis का title देख लिया और उनको लगा कि मैं अभी face कर रही हूँ. And at the same time मैं बाहर जाके मजे कर रही थी तो उनको लगा कि मैं रोना रो रही हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन पीपल डोंट वॉच अ वीडियो एंड देन एकदम से हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन लेके कमेंट करके हेट करने आ जाते हैं. तुम लोगों को क्यों नहीं होता कोरोना, तुम्हारे घर में कोई मरे तो पता चले. सो दिस पर्सन प्रिया पटेल हैज लिटरली आस्क्ड मी एंड माई फैमिली टू गेट कोविड. ये विश कर रहा है कि तुमको होना चाहिए कोरोना या फिर तुम्हारे परिवार में कोई मरे. पहले मैं इन चीजों से भी ट्रिगर होती थी. नाउ आई एम एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ कि मेरे परिवार को कोई मरने की भी विश दे जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मैं इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहती, तभी मैं ये अपने चैनल पे कॉमेंट्स पढ़ने नहीं देती. सो आपका अजम्पशन राइट था कि यस आई डू मॉनिटर माई कॉमेंट्स मेरे बारे में, मेरे पियर्स यूट्यूबर्स के बारे में,
मेरे चैनल में आपको कभी किसी यूट्यूबर के खिलाफ वो हेट ट्रेल नहीं मिलेगी कि किसी ने कोई यूट्यूबर के बारे में कुछ बोल दिया एंड देन नीचे और पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं बस ऐसे अनजान बन रही हूँ कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है मेरे कॉमेंट्स में। दैट इज अ लाइव वी ऑल गो थ्रू आर कॉमेंट सेक्शन। मेरी परिवार के बारे में किसी के बारे में कोई बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू टीच पीपल दैट दिस काइंड ऑफ शिट इज नॉट अलाउड ऑन माई चैनल। एंड कोई और यूट्यूबर जिसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी खराब हो इस टाइम पे, उसको वैसा कमेंट ना मिले। सो आई डोंट वांट टू नॉर्मलाइज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑनलाइन एंड दिस काइंड ऑफ हैरेसमेंट शुड स्टॉप। एंड आई कैन अंडरस्टैंड वेयर देयर कमिंग फ्रॉम, बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट एनकरेज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। सो गेट सम हेल्प, टॉक टू समवन, टॉक टू मी। इफ आई डोंट रिप्लाई, जर्नल, राइट इट ऑन अ पेपर, प्लीज फाड़ के फेंक दो, उसके बाद आपकी फीलिंग्स कहीं पर रैंट करने का मौका मिलेगा ना, अच्छा लगेगा आपको। बट प्लीज़ किसी के कमेंट सेक्शन को कूड़ेदान मत बनाओ। एंड इट्स हाई टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स एज ह्यूमन बींग्स विद फीलिंग्स, विद फ्रस्ट्रेशन एंड विद शेट ऑफ देयर ओन टू डील। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक, दैट वॉज माई रैंड। आलू भुजिया, पूरा चाट पुनाको का खत्म हो गया है एंड दिस सेगमेंट इज ओवर। अनंदिता मुझे मैसेज कर रही है और मेरे पापा का भी रिप्लाई आ गया कि वो 5 मिनट दूर है, सो ही इज गोना कम। आई एम गोना मेक द होल चैट अगेन फॉर पापा एंड मम्मी, बट आई एम गोना एंड माई व्लॉग राइट हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये था मेरा क्वारंटीन विद मी अगेन इन 2021 लॉकडाउन व्लॉग। आई कैन नॉट बिलीव वी आर डूइंग दिस अगेन दिस ईयर, लाइक दिस ईयर वॉज सपोज टू बी बेटर देन 2020, बट कुछ अलग ही हो रहा है। लेकिन मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के लिए हमेशा कॉन्टेंट लाती रहूंगी। आई एम सो सॉरी अगर ये व्लॉग थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा हो तो, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ और घर में जितना मैं मैनेज कर सकती थी कर लिया। मम्मी को वैक्सीन लगा दी, कोलैब फिल्म कर लिया और अच्छा अच्छा चार्ट भी बना दिया। आई जस्ट होप कि इस वीडियो के किसी भी एक सेकंड के पार्ट ने आपके मुंह पे स्माइल लाई हो। दैट्स द होल रीजन आई एम डूइंग दिस। प्लीज डोंट फॉरगेट, मैं हर ट्यूसडे हर फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट देयर एट द रेट दैट क्वर्की मिस। मैं वहां पे और ज्यादा क्वर्की हूँ और ज्यादा चीजें शेयर करती हूँ। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।